हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीसीए के सिलेबस को। जी हाँ, तो जो बीसीए का सिलेबस है वो आता है आपके आईपीएस वेज, फिर आपका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है जिसमें ग्राफ थ्योरी भी पढ़नी है, नेट या गेट का एग्ज़ाम आप देते हैं तो उसमें से काफ़ी क्वेश्चन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में से पूछे जाते हैं। डा है, डा आपके अगर किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाते हैं तो डा आपके वो एक अहम भूमिका निभाता है, डा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया गया है, अगला जो पेपर है। इसके बाद फिर आपका है ऊप्स कॉन्सेप्ट यूजिंग C++, तो इसमें ऊप्स के सारे कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। इसमें जो है आपका ऑब्जेक्ट मॉडल कैसे बनता है C++ के थ्रू, सारी चीज़ें आपको क्लियर की गई हैं। फिर आपका है मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये बेसिकली आपका मतलब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ये आपका चाहे डेटा माइनिंग हो, डेटा वेयर हाउस हो, या बड़ी बड़ी कंपनीज जो बहुत सारे डेटा को एनालिसिस करते हैं उनके लिए DBMS बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर अगर हम बात करें कंप्यूटर आर्किटेक्चर और माइक्रो प्रोसेसर की, तो ये जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर और माइक्रो प्रोसेसर है ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई जगहों पर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ सेमेस्टर की तरफ, जो कि है पहला आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आप जानते हो, विंडोज़ यूज़ करते हो, लिनक्स यूज़ करते हो, और मतलब इसमें जो पढ़ना है आपको टाइम शेयरिंग कॉन्सेप्ट और बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी देखेंगे हम लोग सिलेबस को और एक्सप्लोर करेंगे, आपका बहुत ही मज़ेदार सिलेबस है। ऑपरेशन रिसर्च में बात करें तो ऑपरेशन रिसर्च में आपका कैसे जो है सिस्टम्स काम करते हैं, इन सब के बारे में थोड़ा बहुत सारी चीज़ें हैं आगे डिस्कस करने वाले हैं। डेटाबेस, डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, तो बेसिकली इसका नाम DCN है जो कि कंप्यूटर नेटवर्किंग पर बेस्ड है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर कैसे बनते क्या है कि सॉफ्टवेयर का लाइफ साइकिल क्या है, मॉडल्स क्या हैं सॉफ्टवेयर के और उन मॉडल का कैसे यूज़ करते हैं, डिबगिंग क्या है, कोडिंग क्या है, टेस्टिंग क्या है, ये सब चीज़ें डिस्कस की गई हैं। वेब प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा, तो जो जावा का सिलेबस है वो वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, जिसमें आपको कुछ HTML का पार्ट, एप्लेट का पार्ट, जावास्क्रिप्ट का पार्ट पढ़ाया गया है। न्यूमेरिकल मेथड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें लोगों को समस्या होती है न्यूमेरिकल एनालिसिस में, न्यूमेरिकल मेथड में। तो ये जो आपका सिलेबस है ये आपका पूरी तरह से कैलकुलेटेड, मतलब कैलकुलेटर बेस्ड होता है, पर आपको कैलकुलेटर नहीं मिलता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ये रूल है। तो फिर भी परेशान नहीं होइएगा, इसके बारे में आपको बताएंगे आगे की चीज़। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है वो यहाँ पर पूरी तरह से कवर अप किया गया है। आगे चलें डा पे, तो भाई देखो डा तो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर जितनी भी बात की जाए कम है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देखें तो डा एक अहम भूमिका रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, और ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में असेंबली लेवल लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग, और आपका जो इनपुट वगैरह है, लिंकर क्या है, लिंकर एलोकेशन क्या है, मैक्रो क्या है, पास स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल प्रोग्रामिंग की कहानी क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की गई हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग वगैरह के बारे में है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कवर अप की गई हैं। तो अगला है आपका जो है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत ही मज़ेदार है। क्वेरीज हैं, ज्वाइंस हैं, प्रोजेक्ट हैं, अपडेट वगैरह कैसे करना है, टपल रिलेशन क्या है, एंटिटीज क्या है, ER मॉडल क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगला जो है वो आपका क्या है, अगला टॉपिक है आपका आर्किटेक्चर और माइक्रो प्रोसेसर। इससे आप बच नहीं सकते हैं, हर जगह पर पढ़ना ही होता है, और ये भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। आपके जो है MTech वगैरह के में आपका ये सिलेबस होता है अधिकतर, और अच्छे से पढ़ना पड़ता है MTech वगैरह में। ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें टाइम शेयरिंग क्या है, कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है, मल्टी यूज़र क्या है, मल्टी नेटवर्क क्या है, इंटर प्रोसेस क्या है, डेडलॉक क्या है, आपका सेमा फोर्स क्या है, मतलब नेट का जो एग्ज़ाम अगर आपका आप JRF का एग्ज़ाम देते हो तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको पढ़ना चाहिए। और आते हैं हम लोग इसके लिए अगला जो है अपना ऑपरेशन रिसर्च, जिसमें हमको डायग्राम पढ़ना है, क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशन पढ़ना है,
कंस्ट्रक्शन ऑफ टाइम पढ़ना है, प्रोसेसिंग पढ़ना है, बहुत सारे जॉब्स हैं मशीन के लिए, वो कैसे काम करेंगे, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, सिंप्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर कवर अप करनी है। तो इस तरह से ये आपका है। और सबसे मस्त जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में आपको पूरी नेटवर्किंग के बारे में बताया गया है, जिसमें आपके बैंडविड्थ क्या है, OSI मॉडल्स क्या है, ये सारी चीज़ें कवर की गई हैं। आजकल देख रहे हो आप, सारी चीज़ें इंटरनेट बेस्ड हैं, तो बिना नेटवर्किंग के क्या हो सकता है। तो इसलिए नेटवर्किंग पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, और सब किसी को नेटवर्किंग पढ़ना ही चाहिए अगर आप कंप्यूटर में कुछ भी सीखना चाहते हैं। तो बहुत सारे अपडेटेड सिलेबस भी हैं, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। तो सर्किट स्विचिंग वगैरह है, आगे आप अगर सॉकेट प्रोग्रामिंग करते हैं, और आप कभी वॉइस चैट वगैरह बनाते हैं, VoIP काम करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट DNS वगैरह के पता होने चाहिए। तो आपके लिए नेटवर्किंग एक अच्छा ऑप्शन है, आपको पढ़ना है। और आगे की बातें करें हम लोग, तो देखते हैं अपना अगला क्या है। अगला है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जिसमें हम कोडिंग क्या है, टेस्टिंग क्या है, डिबगिंग क्या है, सॉफ्टवेयर मॉडल क्या है, वाटरफॉल मॉडल क्या है, ये सब, MIS क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कवर करते हैं। एक कोई बेस्ट सॉफ्टवेयर जो है उसके अंदर क्या फीचर्स हो सकते हैं, किन फीचर को वो टारगेट करता है, किसी सॉफ्टवेयर के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं वेब प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। तो अगर आपने प्रोग्रामिंग में कुछ भी नहीं पढ़ा तो जावा तो पढ़नी ही चाहिए। जावा मतलब हर जगह पर यूज़ हो रहा है, चाहे आपका वेब टेक्नोलॉजी हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, आपके मोबाइल में जो ऐप आप यूज़ कर रहे हो, अभी हो सकता है कुछ 2 मिनट पहले बंद किया हो, उसको भी आप जावा में बना सकते हैं। तो जावा हर किसी को पढ़ना चाहिए, जावा बहुत ही एडवांस है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। आप जावा कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, 2500 साल तक लोग इस पर रिसर्च करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, बिलियंस ऑफ पीपल इसको यूज़ करते हैं। तो जावा जो है, जावा में आपका जो सिलेबस है BCA का, वो बहुत ही बेहतर है, आप उसको भी देख सकते हैं। न्यूमेरिकल मेथड है, जिसमें ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है, और सबसे अजीब बात है कि इतना टफ होते हुए बिना कैलकुलेटर के आप इसको नहीं कर सकते हैं, फिर भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इसको पता नहीं क्यों कैलकुलेटर अलाउ नहीं करता है। ये दुख की बात है यार, थोड़ा सा हम लोगों को टॉर्चर किया जाता है कि नहीं भाई तुमको करना भी है, वो भी बिना कैलकुलेटर के। तो सारी इंडस्ट्री, मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को छोड़ करके अगर पूरे भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी की बात करें, पूरे भारत में किसी यूनिवर्सिटी की बात करें, तो सब लोग कैलकुलेटर ले जाने के लिए अलाउ करते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं कहता। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहता है कि भाई तुम मर जाओ, चाहे जैसे करो, आपको ये करना है वो भी बिना कैलकुलेटर के। कोई बात नहीं यार, हम लोग एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी अगर एक हम लोगों के पास प्रॉब्लम आ जाएगी तो उसको सॉल्व करना तो हमको आता ही, तो ये भी हो जाएगा, टेंशन नहीं है। तो थोड़ा सा टफ टॉपिक होता है न्यूमेरिकल एनालिसिस, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के करना है। वैसे ये बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं करते हैं, जिसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो भी वैल्यू